हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, करंट अफेयर्स स्टडी चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ 1 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक कंप्लीट मोस्ट करंट अफेयर्स क्विज, जो कि एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, डीआरडीओ, एसएससी, बैंक सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या करंट अफेयर्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट्स करके जरूर जाना। तो हमें चलो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक करंट अफेयर्स मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 7 अप्रैल 2020 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक में 0.85% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो कौन है? UBS, प्रिंसिपल कैपिटल एशिया, डी नंबर कौन सी है? UBS, प्रिंसिपल कैपिटल एशिया। ओके, तो UBS ये क्या है? सिंगापुर स्थित है, यह सिंगापुर स्थित है। निवेश बैंकिंग फॉर्म UBS प्रिंसिपल कैबिनेट एशिया ने 7 अप्रैल 2020 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक में 0.85% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और इंडसइंड बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा अगला करंट अफेयर सेकंड नंबर का, टॉप 50 क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, टॉप 50 करंट अफेयर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना, इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा करंट अफेयर्स का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महमूद जिब्रिल का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वे लिबिया के प्रधानमंत्री थे, लिबिया के सी नंबर बे लिबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी। तो भाई लिबिया के प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का 68 वर्ष की आयु में मिस्र की राजधानी कायरा में निधन हो गया। वह COVID-19 संक्रमण से पीड़ित थे। यह लिबिया के गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीने तक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। अगला हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को बिस्कुट, क्रोइसेन, घी और डेयरी व्हाइटनर जैसे के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डूंजो के साथ साझेदारी की है? तो वह कौन है? ब्रिटानियम, कौन सी है वो? ब्रिटानिया। ओके, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पैकेज्ड फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपने उपभोक्ताओं को बिस्कुट, क्रोएशियन घी और डेयरी व्हाइटनर की अपनी रेंज देने के लिए एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डूनजो के साथ साझेदारी की है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस व्यक्ति को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है? तो वह कौन है? अनुराग श्रीवास्तव, कौन है? अनुराग श्रीवास्तव। तो हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बनाए गए हैं। जानकारी है कि रवीश कुमार को क्रोएशिया का राजदूत बनाया जा सकता है। अनुराग श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं तथा इससे पहले ये अफ्रीकन यूनियन तथा इथोपिया के राजदूत भी थे। ओके, तुम्हारा चौथा क्वेश्चन क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने पुष्ट सरकारी आदेशों के विरुद्ध लघु और मध्यम उद्योगों SME को 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा? तो वह कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, कौन सी है वो? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ओके, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अपने पुष्ट सरकारी आदेशों के विरुद्ध लघु और मध्यम उद्योगों को 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सिडबी सहायता से प्लस को 48 घंटे के भीतर जमानत मुक्त और वितरित किया जाएगा। छठवा क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दिवस से रिलेटेड है। तो ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। तो विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को।
तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल का महीने का। तो सातवां क्वेश्चन हमारा, बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे थे एक अभिनेता थे, बी नंबर अभिनेता थे। तो भाई हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। यह अपनी शानदार बॉडी लैंग्वेज तथा दमदार कॉमेडी के बदौलत लोगों में काफी पसंद किए जाते थे। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में स्थगित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाना था? तो यह किस देश में खेला जाना था? यह खेला जाना था भारत देश में। किस देश में खेला जाना? भारत देश में। तो भारत में नवंबर में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को फुटबॉल के संचालक मंडल ने कोविड-19 महामारी के बिगड़ने के कारण स्थगित कर दिया। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने विचारों और नवाचारों को आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी ऑनलाइन चुनौती शुरू की है? तो वह कौन सी है? समाधान, सी नंबर समाधान। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा नवा नंबर का हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। 10वें नंबर का है, ब्रह्मा कांच पोटला का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पत्रकार से। ओके, पत्रकार क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो वे अमेरिकी भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्मा कांच पोटला का न्यूयॉर्क में कोविड-19 से निधन हो गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महामारी का केंद्र है। तो दोस्तों कोविड-19 से बहुत से हमारे जो पुराने लेखक पत्रकार और कलाकार, बहुत से ऐसे महान व्यक्तियों का निधन हो चुका है जिनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप भी सावधान रहिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, कोरोना महामारी की वजह से किस एशियाई देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो वह कौन है? जापान। कौन है वो? जापान। ओके, तो भाई जापान के प्रधानमंत्री कोविड-19 महामारी के जवाब में 1 महीने का आपातकाल घोषित किया है। कोरोना वायरस संकट के दौरान देश की वित्तीय प्रणाली का समर्थन करने के लिए जापान ने 990 बिलियन का प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च किया है। हमारा 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के दिशा निर्देश किस बैंक द्वारा जारी किए गए? तो वह किस बैंक द्वारा जारी की गई? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, करेंसी चेस्ट वह जगह होती है जहां मुद्रा जमा होती है। ये चेस्ट आरबीआई केस के वितरण के रूप में कार्य करते हैं और आरबीआई को जनता से गंदे नोट और कटे फटे नोट वापस लेने में सक्षम बनाते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जमीनी हकीकत और उचित प्रतिबंधों के अधीन मुद्रा चेस्ट में 1,000 करोड़ रुपए की चेस्ट बैलेंस लिमिट CBL होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन क्लियर। 13वां क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 के लिए किस लैब ने टेस्ट के माध्यम से पहली ड्राइव शुरू की है? तो किसने की है? डॉक्टर डंक्स लैब। कौन सी की है? डॉक्टर डंक्स लैब, ए नंबर। तो के कोविड-19 के लिए परीक्षण के माध्यम से पहली ड्राइव नई दिल्ली के पश्चिम पंचामी पंजाबी बाग में डॉक्टर डंक्स लैब द्वारा संचालित की गई है। डॉक्टर डंक्स लैब परीक्षण शुरू करने वाली पहली निजी लैब है। परीक्षण के लिए पंजीकरण 5 अप्रैल 2020 की दोपहर से शुरू हुआ। यह परीक्षण दक्षिण कोरियाई मॉडल पर आधारित, जो सफल रहा है और संयुक्त परिवारों में रहने वाले रोगों की आशंका से बचा जाता है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त नेस्कॉम ने नए अध्यक्ष का नाम बताइए।
तो हाल ही में नियुक्त नैसकॉम के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो है प्रवीण राव। क्या है? ए नंबर प्रवीण राव। ओके। तो राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर व सेवा कंपनी संघ ने इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण राव केशव मुरुगेश की जगह लेंगे, जो WNS ग्लोबल सर्विसेज के ग्रुप मुख्य कार्यपाल अधिकारी हैं। 14वां क्वेश्चन क्लियर। 15वां, विकास और शांति के लिए खेल का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए खेल का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। तो भाई विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उपयोग दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करके सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने और ड्राइव करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। यह 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समर्थन के साथ देखा गया है। ओके। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, लेकिन यह कब क्यों मनाया जाता है वो भी बताता हूँ। तो भाई राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो 2020 के लिए विषय सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग था, 5 अप्रैल 1964 को पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। तो यह पहली बार कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1964 को पहली बार मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित शिपिंग और वाणिज्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी? तो किस देश में की जाएगी तीसरी? तो चीन में की जाएगी। कहा? चीन में की जाएगी। तो 5 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने तीसरे एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता को नवंबर 2021 में चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया। ओके। तो 2017 में 17वां क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। 18वां क्वेश्चन है। ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। 18वां, निम्न में से कौन चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा? तो वह करेगा नासा। क्या? कौन करेगा? नासा। ओके। तो यह का नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA नासा 2024 में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा और उसने 13 पन्नों के दस्तावेज में अपनी योजनाओं को सामने लाया और मिशन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। नासा चंद्र सतह पर पहली महिला और एक आदमी भेजेगा। आर्टेमिस मिशन और प्रणाली की आगे की खोज के लिए कदम महत्वपूर्ण रूप में काम करेगा और अगले पड़ाव मंगल से पहले औद्योगिकियों और रोबोटों के परीक्षण के लिए प्रदान करेगा। 18वां हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। 19वां, ब्रोंक्स चिड़ियाघर जहां बाघ नादियां कोरोना वायरस से संक्रमित होने के वाला पहला जानवर बन गया है, पहला ज्ञात जानवर बन गया हुआ चिड़ियाघर किस देश में स्थित है? तो वह किस देश में स्थित है? अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ओके। 19वां क्वेश्चन क्लियर। 20वां, निम्न में से किसने 7 अप्रैल 2020 को COVID-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय योजना की घोषणा की थी? तो वह किसने की थी? अरविंद केजरीवाल ने। किसने की थी? अरविंद केजरीवाल ने। ओके। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में तालाबंदी के दौरान सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित करने हेतु पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो
किस राज्य के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य का मुख्यमंत्री है वो? तो वह है उड़ीसा का। किस राज्य का है? उड़ीसा का। तो 21वां हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। 22वां हमारा, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो अब किस पहल की शुरुआत की गई है? करुणा, करुणा की। ओके, करुणा, करुणा की, सेकंड नंबर करुणा। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना है करुणा। तो भाई आईएएस एसोसिएशन ने कोरोना से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए करुणा सिविल सर्विस एसोसिएशन रिच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिसेस्टर्स नामक एक पहल शुरुआत की है। 22वां क्वेश्चन क्लियर। 23वां, कोबो ब्रायंट को मरण पर्यंत निस्मित मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। कोवो ब्रायंट निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो वह है अमेरिका से। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। ओके, 24वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने कौन सा पूर्ण शरीर की कीटाणु रोधक कच्छ विकसित किया है? हाल ही में किस संगठन ने कौन सा पूर्ण शरीर की कीटाणु रोधक कच्छ विकसित किया है? तो 24वां हमारा क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो भाई हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अहमदनगर में एक पूर्ण शरीर कीटाणु रोधक कच्छ को डिजाइन किया है, जिसे पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर कहा जाता है, या वॉक थ्रू सेट अप एनक्लोजर कर्मियों की स्वच्छता के लिए बनाया गया है, जो कि एक बार में एक व्यक्ति को साफ करता है। ओके, 24वां क्वेश्चन क्लियर। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोर्ट ट्रस्ट हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में अप्रत्याशित घटना करने वाला ट्रस्ट बन जाता है? तो वह कौन है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ओके, कौन है वो? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है 25वां। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।